अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक पर, वाकया करबला। वाकया करबला के मुहर्रिकात कौन से थे, इसके पीछे रीजंस कौन सी थी और कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी बेस्ड पे ये वाकया रूनुमा हुआ। तो इसको जानने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें तसुब की ऐनक उतार के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा और अनबायस्ड एनालिसिस जो है वो मैं आज करने जा रहा हूँ इस पे। और आपको मैं इसका पूरा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, दोनों ख़ानदानों की जो हिस्ट्री है और दोनों ख़ानदानों का शजरा और फैमिली ट्री और बैकग्राउंड इसका क्या है, कौन से इनके पहले से भी क्लैश थे और इस्लाम के आने से पहले क्या सूरत हाल थी और इस्लाम के आने के बाद भी कौन कौन से ऐसे मराहिल थे और कौन कौन से ऐसे क्लैशेस थे जिनकी वजह से वाकया करबला हुआ, और उस कौन से ऐसे मराहिल थे जिनका रिज़ल्ट जो है वो वाकया करबला की शक्ल में इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसमें हमें देखना पड़ा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूं कि हाशमी ख़ानदान जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और जो बनो उमैया है वो कहाँ से शुरू हुआ और उनके अबाओ अजदाद कौन थे और उनका शुरू से क्लैश किस चीज़ पे चल रहा था। तो अब्दुल मनाफ एक शख्स था, उसके दो बेटे थे, एक का नाम था हाशिम और दूसरे का नाम था अब्दुल शम्स। अब्दुल शम्स का एक बेटा था उमैया, जिसके नाम से उन्होंने बनो उमैया अपने कबीले का नाम भी रखा। उमैया का बेटा था हर्ब और हर्ब का बेटा था अबू सुफियान और अबू सुफियान का बेटा था माविया और माविया का बेटा था यजीद। ठीक है, तो ये तो मैंने बनो उमैया का ट्री आपको बताया है, उनका शजरा बताया है। अब दूसरी तरफ हम बनो हाशिम का जो शजरा नसब है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर इनका सारा मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि असल रीज़न पीछे क्या थी। वाकया करबला की और भी बहुत सारी रीज़न थी लेकिन एक जो हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हज़रत हाशिम जो हैं उनके बेटे का नाम था अब्दुल मुतलिब और हज़रत अब्दुल मुतलिब के आगे 6-7 बेटे थे, उनमें से एक जो बेटा था उनका नाम था अब्दुल्ला और एक का नाम था हज़रत हमज़ा, एक का नाम था हज़रत अबू तालिब, एक का नाम था अल अब्बास जिनका आगे अब्बासी ख़ानदान जिससे चला, और एक बेटे का नाम था अबू लहब जो बाद में आप वसल्लम की मुखालफत भी करता रहा। तो हज़रत अब्दुल्ला के जो बेटे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्ला और जो आपके चचा थे हज़रत अबू तालिब उनके बेटे जो थे हज़रत अली। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इस्लामियात की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि आप सल्लम के वालिद की डेथ अर्ली हो गई थी तो फिर उनके दादा हज़रत अब्दुल मुतलिब ने उनकी परवरिश की और जब उनकी वफ़ात हो गई तो फिर उनके चचा हज़रत अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। तो हज़रत अबू तालिब के बेटे थे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम अली के बेटे इमाम हसन और हुसैन, और जो आप सल्लम की बेटी थी हज़रत फ़ातिमा उनकी शादी फिर हज़रत अली के साथ हुई और उनमें से आगे फिर इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए और इमाम हुसैन की जंग जो है फिर वो यजीद के साथ हुई। तो ये हिस्टोरिकली इनका पहले भी क्लैश चल रहा था। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इनका बैकग्राउंड बताता हूँ कि जो हज़रत हाशिम थे आप सल्लम के दादा और जो अब्दुल शम्स थे वो दोनों भाई थे। अब्दुल शम्स का बेटा आगे उमैया था। अब्दुल शम्स और हज़रत हाशिम जो हैं वो दोनों भाई थे और दोनों जुड़वा भाई थे। और एक मज़े की बात यह कि जब ये पैदा हुए थे तो हज़रत हाशिम और अब्दुल शम्स ये दोनों जुड़वा इस तरह थे कि इनके हज़रत हाशिम की जो टांग थी वो अब्दुल शम्स के सर पर मतलब जुड़ी हुई थी और इनके जो वालिद थे अब्दुल मनाफ उन्होंने अपनी तलवार के साथ इनको अलहदा कर दिया था। तो वक्त गुज़रता गया और जब अब्दुल शम्स और हज़रत हाशिम जो हैं वो बड़े हो गए तो हज़रत हाशिम जो है उन्होंने अपने ज़िम्मे ये काम लगाया कि मैं जो भी खाना काबा में हाजी आएंगे या जो भी वहाँ पर तवाफ करने आएंगे या जो हज करने आएंगे मैं उनकी खिदमत करूँगा, उनकी देखभाल करूँगा, उनको पानी पिलाऊँगा, उनको खाना दूँगा और खाना काबा जो है उसका भी इंचार्ज मैं ही हूँगा। और जो दूसरा उनका भाई था अब्दुल शम्स वो तिजारत की गर्ज़ से शाम चला गया। जब वो शाम ज़्यादा वहाँ पर जाके सेटल हो गया तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की और बहुत ज़्यादा अपने आप को माली तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया। और उस वक्त जो है मक्का की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो हज़रत हाशिम के पास थी।
तो जब हालात बदलते गए और लोगों का रुझान जो है मक्का की तरफ हो गया, और मक्का जो है वो हब बन गया तिजारत का भी, और लोगों का वहाँ से आना जाना और वो सेंटर बन गया। तो उस वक्त जब अब्दुशम्स जो है वो वापस आया और उसने आके लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कि हमारा मेरा भी यहाँ पर हिस्सा है और हमें भी यहाँ से हिस्सा मिलना चाहिए। तो उस तरह फिर उन्होंने काम डिवाइड कर लिए दोनों भाइयों ने, हजरत हाशिम ने और अब्दुशम्स ने, लेकिन अंदर ही अंदर उनका आपस में क्लैश चल रहा था। उसके बाद फिर हज़रत हाशिम के जो पोते हैं यानी आप सल्लम हज़रत अब्दुल मुतलिब के बेटे, उन्होंने जब ऐलान नबूवत किया तो उस वक्त जो है वो और ज़्यादा उनको जो बनु उमैया वाले थे उनको और ज़्यादा बुरा फील हुआ, या उनको ये लगा कि ये यतीम कल का यतीम जो है वो हमें ये कहेगा कि अपने खुदाओं को पूजना छोड़ दो। तो ये हिस्ट्री की बातें आपने कॉमन है, ये सुनी होंगी आपने। तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों से मिला, तो वो सबसे ज़्यादा टफ टाइम जो है वो बनु उमैया के ही लोग थे, जिनमें अबू सुफियान जो है वो फ्रंट पे था। तो अबू सुफियान जो है उस जंग बदर जब हुई तो उसमें भी अबू सुफियान का बहुत अहम रोल था, और उससे पहले जब आप सल्लम को हिजरत के लिए मजबूर किया गया तो उसमें भी अबू सुफियान का बहुत अहम रोल था। मतलब मेन लीडर था अबू जहल और अबू सुफियान, जो आप सल्लम को ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्च कर रहे थे, और आप हिजरत करके मदीना चले गए। और शेब अबी तालिब में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे ख़ानदान के साथ बनी हाशिम के साथ 3 साल आपने गुजारे, बहुत टफ टाइम देखा आपने और पत्ते खाकर गुजारा किया, तो वो भी सारी कारस्तानियाँ जो हैं वो अबू सुफियान और उनके ग्रुप की थी, जो आप सल्लम को इतना ज़्यादा टफ टाइम उनको देखना पड़ा और सब ने बाइकआउट कर दिया और पत्ते खाकर आपने गुजारा किया, और कोई भी आना जाना जो है वो उन्होंने बंद कर दिया था कबाइल ने, स्पेशली बनु उमैया वालों ने। आप जब हिजरत करके मदीना चले गए तो आपका जितना भी माल असबाब था और जितने भी सहाबा थे जो हिजरत करके गए थे वो तो इधर ही मक्का में रह गया। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब अबू सुफियान जो है वो तिजारत की गर्ज से शाम जा रहा था, तो आप सल्लम को पता चला, तो उन्होंने अपने सहाबा के साथ ये प्लान बनाया कि क्योंकि हमारा माल सारा उधर ही रह गया था, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, तो क्यों ना ये काफ़िला जो है उससे हम अपना माल वापस ले लें, क्योंकि वो थोड़े से हैं और हम ज़्यादा हैं, तो हम आसानी के साथ उनसे माल वापस ले लेंगे, अपना हक जो है वो हम वापस लेंगे। तो जब अबू सुफियान को पता चला कि इस तरह आप सल्लम जो है वो मेरे काफ़िले पर हमला करने लगे हैं, तो उसने पीछे अपने जो बाकी साथी थे मक्का में उनको ये खबर दी, और वहाँ से एक पूरा लश्कर जो है वो लेके आप सल्लम पर हमला करने के लिए आ गए। और वो जो जंग हुई वो जंग बदर के नाम से हुई। जंग बदर में मेन जो बनु हाशिम में से थे 3 लोग आए फ्रंट पर लड़ने के लिए, हज़रत हमजा जो आप सल्लम के चचा थे और हज़रत अली के भी चचा थे, और हज़रत अली और तीसरे जो थे वो हज़रत उबैदुल्लाह थे, और जो दूसरी तरफ से आए थे बनु उमैया में से वो एक था उतबा और उतैबा, और उतबा का एक बेटा था वलीद। उतबा और उतैबा जो है ये रबिया के बेटे थे, और रबिया जो है ये भी बेटा था अब्दुशम्स का। तो अब्दुशम्स जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा थे हाशिम, उनका भाई था, यानी बेसिक ट्री इनका एक ही थे, आगे जाके इनके इख्तलाफात हो गए। तो रबिया के दोनों बेटे जो हैं उतबा और उतैबा, वो दोनों को वासले जहन्नम किया, एक जो है हज़रत अली ने किया और दूसरा जो है हज़रत हमजा ने किया, और जो तीसरा था उसका बेटा वलीद उतबा का बेटा, उसको हज़रत उबैदुल्ला ने वासले जहन्नम कर दिया। तो ये कत्ल होने से बनु उमैया में और गम और गुस्सा पैदा हो गया, और उन्होंने कहा कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और उसका बदला जो है वो बाद में फौरन 2 साल बाद गज़वाए खंदक के मौके पर, यानी उन्होंने अबू सुफियान जो है 2 साल बाद फिर लश्कर ले कर मदीना पर हावी हो गया, और वहाँ पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु ने अपनी सिक्योरिटी के लिए खंदक भी खो दी, और वो वाक़यात भी आपने पहले से सुने होंगे। और उसके बाद जब जंग ओहद हुई, फिर अबू सुफियान जो है वो उसने लश्कर कशी की और जंग ओहद हुई, और जंग ओहद में हज़रत हमजा की शहादत भी हुई, और हज़रत हमजा का जो कलेजा चबाने वाली खातून थी वो हिंदा थी, और हिंदा जो है वो अबू सुफियान की बीवी थी, और जो जो पहले जंग बदर में कत्ल हुए थे उतबा और उतैबा, उतबा की वो बेटी थी, ठीक है, और अबू सुफियान की बीवी थी, और हज़रत माविया की जो है वो वालदा थी। तो उसने हज़रत हमजा का कलेजा चबाया, आपने एक हबशी गुलाम जो है उसके थ्रू आप को कत्ल करवाया, छुप के उसने वार किया, और कलेजा
अपनी हज़रत हमज़ा की बॉडी, डेड बॉडी को चीर कर उसका कलेजा निकाला और चबाया, सिर्फ चबाया नहीं बल्कि जितने भी उनके ऑर्गन्स हैं, उनकी आँखें, नाक, कान, उनकी उंगलियाँ, उनके पाँव की उंगलियाँ, वो काट के उसने हार बनवाया और अपने गले में लटकाए फिरती थी। इतना वो मतलब ज़ालिम खातून थी और इतना उसको गम और गुस्सा था बनू हाशिम के साथ। और वो खातून कौन थी? वो अमीर माविया की माँ थी और अबू सुफियान की बेगम थी और यजीद की वो दादी थी। तो वक्त गुजरता गया, जब फतह मक्का हो गई, इस्लाम का बोल बाला हो गया, तो जब अबू सुफियान को ये लगा कि अब तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रही और इस्लाम हर तरफ फैल जाएगा और अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो हमें कत्ल कर दिया जाए, तो फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये अल्लाह ही बेहतर जानता, उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल किया या ऊपर ऊपर से इस्लाम को कबूल किया, लेकिन उनके एक्शन से ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने ऊपर ऊपर से इस्लाम कबूल किया था, अंदर से उनमें ईमान की रोशनी नहीं आई थी। उसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि जब हज़रत अबू बकर की खिलाफत का दौर आया तो उस वक्त हज़रत अली को अबू सुफियान ने उकसाया था कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और आप जो है हज़रत अबू बकर जो है उनकी खिलाफत के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहमत करें, तो क्यों ना हम उस कबीले से खिलाफत अपने कबीले की तरफ वापस ले के आते हैं, लेकिन हज़रत अली ने उससे इनकार कर दिया। फिर हज़रत उमर का दौर आया और उसके बाद फिर हज़रत उस्मान का दौर। हज़रत उस्मान भी जो हैं वो बेसिकली बनू उमैया से बिलोंग करते थे, तो हज़रत उस्मान ने अबू सुफियान के बेटे जो थे माविया, उनको दे दी गवर्नरशिप वहाँ की शाम की, क्योंकि शाम में इनका काफ़ी ज़्यादा असर रसूख था। और 11 साल जब हज़रत उस्मान के गुज़रे तो उस दौरान बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया हज़रत माविया ने शाम में। और हज़रत उस्मान के बाद जब हज़रत अली की खिलाफत का दौर आया तो हज़रत अली ने उनको बरतरफ कर दिया, गवर्नर को जो शाम के थे हज़रत माविया यानी। तो जब हज़रत अली ने उनको बरतरफ का ऑर्डर भेजा तो उन्होंने आगे से मुखालफत की और खलीफा वक्त जो खलीफतुल मुस्लिमीन जो हज़रत अली थे उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और उसके पीछे वजह भी उसने ये बताई कि हज़रत उस्मान के कत्ल में जो मुलव्वस हैं वो हज़रत अली को उन्होंने ठहराया, जो सरासर ब्लेम था और बाद में रियलिटी सबके सामने आ गई। और इसके बिहाफ पे हज़रत अली के साथ उन्होंने दो जंगें भी की, एक जंग जमल और एक जंग सफीन। जंग सफीन में वो सामने आया हज़रत मतलब हज़रत अली के माविया जो है बिल्कुल फ्रंट पर आया और हज़रत अली की तरफ से 80,000 का लश्कर था और माविया की तरफ से 1,20,000 का लश्कर था, जबकि हज़रत अली के जो लश्कर के अफराद थे उनमें से 25,000 लोग जो हैं उनको शहादत मिली और जो 45,000 लोग हैं माविया के वो भी कत्ल हुए उस जंग में। तो वो जंग जो है फतह हासिल हुई हज़रत अली को। तो उसके बाद जब फिर हज़रत अली की वफ़ात हो गई, मतलब शहादत हो गई, उसके शहादत के असबाब भी उसकी कड़ियां भी माविया के साथ मिलती हैं कि उन्होंने हज़रत अली को शहीद करवाया था। और फिर हज़रत इमाम हसन ने माविया से कुछ असूलों पर, कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ शरायत पर सुलह कर ली। वो शरायत ये थी कि मुसलमानों में अमन अमान कायम रहेगा और जो आपका जो होगा सक्सेसर, जो आपका जानशीन होगा, वो आप मुंतखब नहीं करेंगे बल्कि उम्मत मुंतखब करेगी जिसको भी वो चाहेंगे। और हज़रत अली पर जो सब शितम था या जो गालियाँ देते थे मेम्बर्स पर शाम में, तो वो हज़रत अली को कोई बुरा भला नहीं कहेगा। तो वो भी खलीफा वक्त को अगर बुरा भला जो कहने वाला है तो इसका मतलब भी आप बेहतर जानते हैं कि उनका करैक्टर खुद का कैसा होगा। लेकिन जब इमाम हसन की शहादत हो गई तो उसके बाद माविया ने जो शरायत हुई थी और जिसकी बिना पर सुलह हुई थी उसको भी वायलेट कर दिया, उसकी भी खिलाफ वर्जी कर दी, और जो जिसमें ये शर्त थी कि आप अपना जानशीन जो है वो ख़ुद मुकर्रर नहीं करेंगे, तो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए हज़रत माविया ने यजीद को अपना जानशीन जो है वो मुकर्रर कर दिया। तो जब उन्होंने अपना जानशीन यजीद को मुकर्रर किया तो उसके लिए फिर बाकी भी ओवरऑल जितने भी उस वक्त अकाबरीन थे, मुस्लिम अकाबरीन, उनकी भी सपोर्ट उसको चाहिए थी। तो हज़रत इमाम हुसैन हसन की तो वफ़ात हो गई थी, उस वक्त जो बनू हाशिम थे उनके लीडर थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी बैत तलब की। तो इमाम हुसैन ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आप जैसे शख्स को उम्मत का सरबरा कबूल नहीं कर सकता, मैं आपकी बैत नहीं कर सकता। तो यजीद का किरदार जो है वो सब जानते हैं बेहतर तरीके से। तो जब वो आपने इनकार किया तो उन्होंने कहा कि या फिर हम आपको कत्ल कर देंगे या फिर आप ये वतन छोड़ के चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ। तो जब आप वहाँ से हिजरत करके गए और वो बाकी स्टोरी आपने सब ने सुनी होगी कि फिर रास्ते में जब करबला के मकाम पर आप आए तो उस तरह उस वक्त कैसे
आपको जो है वो शहीद कर दिया गया। और ये सारा जो वाकया है ये आप सल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी बताया था, और आपकी जो बीवी हैं हज़रत उम्मे सलमा उनको मट्टी भी दी थी कि इस तरह मेरा नवासा जो है वो इस दिन 10 मुहर्रम अल हराम को करबला में शहीद हो जाएगा, और जब ये मट्टी का कलर जो है वो सुर्ख हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप मेरे नवासे जो हैं वो शहीद हो गए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो हक पर थे, और उनके जो जो पॉइंट्स थे कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना अलम बगावत जो है वो बुलंद किया था या जिसकी वजह से उन्होंने बैत नहीं की थी, वो सारे यजीद के किरदार से कोई भी जो है वो नावाकिफ़ नहीं है, वो आपने सारे सुने हुए हैं। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा था कि ये किस वजह से ये वाक़ करबला बरपा हुआ और उसके पीछे वजूहात कौन सी थी, ये पूरा एक इसका पस मंज़र है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, और आप अगर और भी क्लियर करना चाहते हैं तो अनबायस बिला तसब हो कि आप ख़ुद भी रिसर्च करें, तो इंशाल्लाह आपके सामने जो है वो हकीकत वाज़ह हो जाएगी।